कोरबा के ओपन थिएटर में लगे राष्ट्रीय आर्ट एंड हैंडक्राफ्ट कॉटन सिल्क के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। शाम ढलते ही यहां दर्शकों की भीड़ उमड़ने लगती है। देर शाम खरीदारों का दौर चलता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर प्रांत के उत्पाद यहां लोगों के लिए मौजूद हैं, जो काफ़ी किफ़ायती दरों पर मिल रहे हैं। शहर के ओपन थिएटर मैदान में लगा राष्ट्रीय आर्ट और हैंडीक्राफ्ट कॉटन सिल्क एक्सपो लोगों को काफी लुभा रहा है। इस प्रदर्शनी में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। शाम होते ही लोगों का हुजूम यहां पर उमड़ने लगता है, जो देर रात तक मौजूद रहता है। यहां पर कोरबा वासियों के लिए एक से बढ़कर एक वैरायटी मौजूद कराई गई है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर मेघालय तक के सामान यहाँ लोगों की खरीदारी के लिए एक छत के नीचे उपलब्ध हैं। लोगों को यहाँ काफी किफायती दाम पर सामान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कपड़ों से लेकर ज्वेलरी, हैंडलूम, चादर, साड़ियाँ, क्रॉकरी के अलावा 50,000 से भी अधिक वैरायटी लोगों के लिए यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। शहरवासी भी यहाँ खरीदारी के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सर, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की प्रदर्शनी है, जिसमें पूरे भारत से लोग आए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सभी विभिन्न प्रांतों से यहाँ पर स्टॉल हैं। राजस्थान है, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सभी जगह के स्टॉल हैं। और करीब 50,000 से भी ज़्यादा वैरायटी आपको यहाँ पर देखने को और पसंद करने को मिलती है। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है निवासियों को? रिस्पॉन्स इस बार थोड़ा ठीक है, इतना खास नहीं है, बाकी ठीक है। फिर भी कुल मिलाकर के मुख्य रूप से किस किस तरह की चीज़ें की यहाँ लगी है प्रदर्शनी? जैसे हैंडलूम की बेडशीट है, और हैंडलूम का खादी का शर्ट वगैरह है, लकड़ी का जो फर्नीचर है, क्रॉकरी है, कारपेट है, ज्वेलरी वगैरह, लेडीज़ में खादी की कुर्ती है, कश्मीरी ड्रेस मटेरियल, इन लोग इन चीज़ों को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अच्छा, प्रदर्शनी कब शुरू हुई है, कब तक चलेगी? सर, ये पिछले महीने 6 तारीख को आरंभ हुई थी और ये 18 सितंबर तक चलेगी। राष्ट्रीय आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट कॉटन सिल्क एक्सपो की शुरुआत 6 अगस्त से हुई है, जो 18 सितंबर तक चलेगी। प्रदर्शनी के व्यवस्थापकों ने कोरबा वासियों से अपील की है कि इसका लाभ उठाएं। उनका कहना है कि खरीदारी से इससे बेहतर मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए बिना देर किए यहां पर उपस्थिति दर्ज कराएं और देश के अलग अलग राज्यों के सामानों की खरीदी का लाभ उठाएं। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए अविनाश प्रसाद की रिपोर्ट।